लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे आज भी अपनी पहली मुलाकात नहीं भूली रासलीला में मुझे वो हर लम्हा याद है क्या आपको याद है नहीं अभय ऐसा नहीं लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो राधिका तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही है हम लोगों के खिलाफ जरूर उसके दिल में कोई गहरी चाल है अभय अंधेरा का है बे ओ राधिका अरे ओ राधिका राने कहाँ है आपकी राधिका रानी जी 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 वो तो घर में नहीं है कहिए काम था कुछ सब कुछ यहाँ पूछ लेंगे का अंदर बुलाइए चाय पानी पिलाइए विस्तार से बताते हैं चलिए आइए आइए हाँ तो कहाँ पूछ रही थी आप चलिए हम ही बता देते हैं कहा है कि बात एकदम से साफ है पर क्या करें तुम्हारी बहुरानी खोपड़िया में घुस नहीं रही है ना देखिए उस दिन डहरी में हम कितना इज्जत और प्रेम से आपको समझाए थे कि नहीं कि तुम्हारी राधिका रानी का साया भी हमारी हवेली या हमारे अभय बाबू के आसपास नहीं ना दिखाई देना चाहिए पर क्या करें तुम्हारी बहुरानी मानती नहीं बार बार एक ही गलती दोहराए रही है लेकिन हम बार बार समझाने नहीं ना आएंगे इसलिए अपनी बहू रानी को अच्छे से समझा दीजिएगा कि गलती से भी गलती दोबारा ना करें। ए भैया ठाकुर होके औरतों पे शान काहे दिखा रहे अगर खून में ज्यादा उबाल आ रहा है तो हमसे बात करो जब बात बहुत अच्छा बोले तुम तो का बात है बिटवा कि तुम रज्जन यदुवंशी के करेक्टर के बारे में कुछ नहीं ना जानते हो हमको जो औरतन से है ना विशेष प्रेम है समझे या हमारे हाथ का सिग्नेचर अपने काम की जड़ में लेकर समझो हैं बिरजू अपनी ताकत और अपनी इन बंदूकों से किसी और को डराना यहाँ कोई तुमसे डरने वाला नहीं है ए प्रभु हमको डराए रहे हैं जाओ यहाँ से अच्छा हम नहीं गए तो क्या करोगे आप बताओ दुड़ा दुड़ाए के हमको मारोगे हैं वो मारे ना मारे लेकिन अब अगर एक शब्द भी और बोले ना तो हम जरूर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुझे शुद्ध हिंदी में खा रहे देखिए जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए माफी मांगती हूँ आगे से ऐसा कुछ ही नहीं होगा आप लोग कृपा करके यहाँ से चले जाइए अरे नीचे करो रे कितना प्यार से बोल रही है देखिए आप हमको बहुत समझदार लग रही है तो समझा दीजिएगा अपनी बहू रानी को ठीक है आज के बाद तुम्हारी राधिका रानी ना तो हमारी हवेली के आसपास दिखाई देनी चाहिए ना हमारे दामाद बाबू के अगर पति प्रेम का इतना अच्छा जाग रहा है तो हमसे कह दीजिए उसके लिए एक योग्य वर भिजवा देंगे आशा करते हैं हमारी बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी जय शिव शंभू
पाना। राजपुरोहित के चुनाव के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और अगर इन 2 दिनों में आपने उनकी याददाश्त वापस नहीं लौटाई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और राजपुरोहित की मान मर्यादा सब नष्ट हो जाएगी। कान्हा, मैं उनके पीछे पीछे चंदनपुर जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि उनकी याददाश्त वापस लौटाने में मैं सफल रहूं। राधिका जी, इतना ठुमक ठुमक के कहाँ जा रही हैं आप? हम आए हैं ना आपको लेने के लिए। चलिए। अरे चलिए ना। बारात में आए हो का? जाके पकड़ो का। तुम कहाँ फिल्म देखने आए हो? अबे पूजा करने आए हो, जाके पूजा करो। राधिका जी, बहुत पीटी उषा बनने का कोशिश कर ली, अब थक गई होंगी, हम आपको छोड़ देते हैं। ए, व्यवस्था करो बे।
पता नहीं रज्जन भैया कैसे राधिका और उसके परिवार को समझाएंगे, लेकिन जैसे भी समझाएं, बस राधिका के सर से अभय का पीछा करने का भूत उतर जाए। हाँ भैया कहिए। अरे ओ छुटकी, हम इस ससुरी राधिका का अपहरण कर लिए हैं। बहुत भूत चढ़ा रहा ना एक अभय बाबू का, जब तक वो भूत नहीं उतर जाएगा हम छोड़ेंगे नहीं इसको। अच्छा है भाई, अब वो रोज रोज परेशान तो नहीं करेगी ना। बहुत पागलपन चढ़ा रहा है एक अभय बाबू का याददाश्त वापस दिलाने का, पर तू चिंता मत कर, तेरा राज राज ही रहेगा। विवेक, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा बेटा, कहीं वो बदमाश रज्जन सचमुच कुछ कर ना बैठे। अच्छा हुआ जो राधिका उस बदमाश के आने के पहले ही चंदनपुर के लिए निकल गई। राधे राधे। क्या बात है भाई, सबके चेहरे का ज्योग्राफी का है बदल गया। आओ बिरजू। राधे राधे। अरे भाई हवा का रुख बदला, कल तक कहीं और बह रही थी, आज कहीं और बह रही है। हवा तो है ही ऐसी। कहिए, आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई आप? बिल्कुल सही फरमाया भाभी जी आप। अब देखिए, दो दिन बाद 5 साल की शर्त का समय पूरा हो जाएगा और हमको लगेगा कि हमारा जन्मों का वनवास खत्म। हमको राजपुरोहिती मिलेगी और वैसे भी आप लोगों ने बहुत निभा ली जिम्मेदारी, अब हम बाप बेटे की बारी है। तो आप ये बताने आए हैं? क्या है कि हम जो हैं सो न्योता देने के लिए आए। 2 दिन बाद नए राजपुरोहित का अभिषेक होगा, आप लोगों को जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि हमारे बेटे अर्जुन को राजपुरोहित की बागडोर सौंपी जाएगी। परंपरा के अनुसार पूर्व राजपुरोहित का परिवार ही नए राजपुरोहित का अभिषेक करता है, तो आप लोग आइएगा जरूर। हम आएंगे और साथ में सुशील भैया, हम अभी तक अपनी परंपरा ना तो भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे। बंसी बजैया कहते हैं सबर का फल मीठा होता है। जिस घर में मेहमान बन के आए थे अब वो घर हमारा होगा। साथ करेंगे हम राज पुरोहित बनकर। बताइए कि वो राधिका नाम की छोटी बहू कहां दिखाई नहीं दे रही है। बाद में हमको ताना मारेगी कि अर्जुन को राजपुरोहित बना दिया और हमको बधाई देने तक का मौका नहीं दिया। सुशील भैया आप निश्चिंत रहिए, ऐसी नौबत नहीं आएगी। काना हमारे साथ है और सब देख रहे हैं। ईश्वर करे ऐसा ही हो भाभी जी। फिलहाल तो यहाँ बहुत गर्मी है, आप लोग जो है शीतलता का इंतजार करिए, हम चलते हैं। दिल्ली दूर नहीं है, 2 दिन बाद आइएगा जरूर। राधे राधे। राधे राधे।
तो मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे यहाँ से जाने दो, जाने दो मुझे यहाँ से। अब काहे डर रही हैं आप? हम हैं ना इधर, आपकी सेवा के लिए हर टाइम मौजूद। और वैसे भी आपका ये मधुर आवाज सुनने के लिए हमरे सिवा और कोई नहीं। चिल्लाइए जितना चिल्लाना, हमको तो बहुत अच्छा लगता है आपका आवाज, चिल्लाइए। कहाँ लेकर आए हो मुझे? मुझे जाने दो, ये किधर? मुझे जाने दो मैंने कहा। अरे भैया लेकर चलो इनको जरा। कर रहे हो बे? छोड़ो इनको, बहुत तेज थप्पड़ लगाती हैं। छोड़ो, जाइए, हमको इनसे प्राइवेट में कुछ बात करना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है, अभी वो बहुत मुसीबत में है, मुझे यहाँ से जाने दो, छोड़ दो मुझे। वैसे राधिका जी, वो दिन चाटा बहुत टॉप का मारे थे आप, याद है कि भूल गई? अब क्या करें, हमरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किए रही तो उपकार तो हमको चुकाना ही था ना। आज हमारा बहुत मन कर रहा है अपना ही कोमल हाथ से हमारे गाल पर चाटा मारिए, हमारे गाल को स्पर्श कीजिए, मारिए ना चाटा हमको। अरे मारिए मारिए। एक औरत के साथ ऐसी नीच हरकत करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? कान्हा तुम्हें इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। कहा करेंगे कान्हा, आके अपना सुदर्शन चक्र से हमारा गर्दन उड़ाई देंगे, का वध कर देंगे हमारा। काम कीजिए, जोर जोर से चिल्लाइए, हो सकता है तुम्हें कान्हा यहाँ आके तुमको हमारे चंगुल से छुड़ा के ले जाए। कान्हा आएंगे, वो किसी ना किसी रूप में जरूर आएंगे। हमको भी लगता है कान्हा आएंगे, पर कौन से रूप में आएंगे? वो हमारे रूप में आएंगे भाई, थोड़ी देर में यहाँ बांसुरी बजाते हुए आएंगे और तुम्हारे साथ ना रासलीला करेंगे। ठीक है, हम फिर ऐसे होकर आते हैं, आप जरा यहाँ विश्राम कीजिए। होशियारी बरतना, बहुत ही चालाक है मैडम, और जाकर उका हाथ पांव बांध देओ, और हाँ मुंह में भी कपड़ा घुसेड़ देओ, नहीं तो टाइम बाय टाइम चिल्ला चिल्ला के परेशान कर देगी। देखते हैं कौन सा कान्हा आता है इनको बचाने के लिए।